गजेंद्र बाबू, ई तो अच्छा भइल कि दामाद जी के जान बाज गई, न तो ऊ किसनवा उनका के मुआवे में कौनो कसर ना छोड़े रहे। उस सब भगवान जी के कृपा। अरे भैया, भगवान जी तो उपकार करबे करेले। अरे हजूर के धर्म कर्म के लिस्ट इतना लंबा बा कि यदि छपरा में बैठ के कागज पर लिखल शुरू कर जाओ तो लिखे वाला लिखते लिखते आरा पहुंच जाए, लेकिन लिस्ट पूरा ना हो। चला अच्छा भइल कि दामाद जी के जान तो बच गईल, लेकिन अब तनियो किसनवा के बारे में सोचा जा लोग। उस साहब के तफन कुचलल बहुत जरूरी बा। फौजी हके त ओकरा बाप से भी बदतर मौत देव। के बोलो तड़े? तो आर बाप। ए फौजिया किसन, तुहार हिम्मत कैसे भइल रे हमरा फोन करे के? अभी तक खाली फोन कैले बनी, बाद में तोर खून भी करा। जुवान पे लगाम दे। गला मत फाड़। और सुन, ते अपन चारों साथी और दामाद के संगे संगे अपना जिंदगी के उल्टी गिनती गिनल शुरू कर दे। तू सुन ले, कल हमार ट्रैक्टर तोहार खेत पे चली, अगर तू एक माई के दूध पीले वाले ना तो हमरा रोक के दिखा दे। जे हमारा खेत में ट्रैक्टर चलाई, हम अपन खेत में ही ओकर चीता जला दे। ठीक बा, तो चल तू गाल दिखा दे। तू एक बाप के बीच से पैदा भइल बड़े रख भिखारी के जना, एक बार खाली हमरा सामने आके दिखा दे। मुखिया के पिल्ला किसनमा काले खेत में ट्रैक्टर चले से रोके खातिर आई जरूर, आई ता अपन दोनों टांग पर, लेकिन जाए काले अंधी बेलदा के। हजूर, हजूर, इली हनुमान चालीसा और अपन जिंदगी के सिलेबस समझ के रट ली, किसनवा आई तक जिंदा ना छोड़ी। अरे चुप का यार, गीदड़ एक बार अपन मौत के गला लगा में शहर जा सकेला। फौजी किसनवा के माई का दूध बेटा दम देखे जे अपन मौत के डर से यहाँ आई। अगर आप भी जाए ना, ससुरा यहाँ से जिंदा वापिस ना जाए। जरूर आई, पॉकेट में से आई चाहे धोती में से आई, आसमान में से आई चाहे जमीन की छाती फाड़ के आई, और रवा के चिंता न छोड़ी। अरे मुनीम के बच्चे ज्यादा बोले तो थोड़े टपका दे भजूर। चलो ट्रैक्टर चलाओ जल्दी। खराब हो गई के बंद हो।
अरे हरिहर किसान।